बड़वानी जिला अस्पताल में बनी जनरल ओटी की पीओपी से तैयार की गई छत गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान ऑपरेशन नहीं हो रहा था। यदि ऑपरेशन हो रहा होता तो मरीज या स्टाफ को चोट लग सकती थी। डॉक्टर राजेश जैन ने बताया कि आज सुबह जब ऑपरेशन थिएटर में आया तो पीओपी की छत गिरी हुई थी, जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई। दिनांक 11/9 को इस छत में क्रेक आ गया था, तभी इसकी सूचना मेरे द्वारा दे दी गई थी, मगर अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई कार्यवाही की। छत गिरने से अब ये खुला हो गया है और पाइपों पर जंग लगा हुआ है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। अभी कोरोना के चलते ऑपरेशन नहीं हो रहे, छोटी सर्जरी चल रही है, मगर अब छत गिरने से वह भी नहीं हो पाएगी। हम आपको बता दें कि 10 तारीख को भी महिला अस्पताल की गायनिक ओटी की पीओपी की भी छत गिर गई थी। जिला मुख्यालय के अस्पतालों के हाल ये हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की व्यवस्था होगी ये बड़ा सवाल है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। फॉल सीलिंग गिर गई, आज सुबह देखा तो इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दे दी गई है और दिनांक 11/9 को जब इस फॉल सीलिंग में क्रेक आया था उसकी सूचना भी दे दी थी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो कल छत गिर गई। हाँ, क्योंकि अब ये छत गिरने से जो पूरा खुला हो गया है और ऊपर पाइप और इनमें जंग लगा हुआ है, तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। डेली कितने ऑपरेशन होते हैं? अभी चूंकि कोरोना के कारण बड़े ऑपरेशन बंद है, सिर्फ इमरजेंसी और माइनर सर्जरी हो रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।